मेहरवा प्रखंड के तुलाराम भुस्का पंचायत में आग लगाने से फूस का घर सहित घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि चूल्हे की चिंगारी से आग लगी है। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था, लेकिन ग्रामीणों की सहायता से आग पर काबू पाया गया। मौके पर पहुंचे पूर्व मुखिया सुनील कुमार उर्फ पवन मिश्रा पीड़ित परिवार को अपने तरफ से आर्थिक मदद के रूप में 2000 रुपये नगद दिया है। मेहरवा प्रखंड अंचलाधिकारी तत्काल मदद के लिए ग्रामीणों को भरोसा भी दिलाया गया। नहीं थम रहा अवैध बालू का व्यापार। गोड्डा जिले में धड़ल्ले से चल रहा है अवैध बालू का व्यापार। सुबह होते ही बालू से लदे ट्रैक्टर सड़कों पर खुलेआम दौड़ते हैं। संवाददाता से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक तरफ जहां गोड्डा जिला में पानी का हाहाकार मचा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ बालू का अवैध व्यापार धड़ल्ले से चल रहा है। बता दें कि पिछले साल भर से बालू का उठाव के कारण पानी का जो है स्तर है बहुत वो नीचे चला गया है, जिससे कि गोड्डा जिले में पानी का घोर संकट छा रहा है। ऐसे में प्रशासन भी अवैध बालू के व्यापार को रोक नहीं पा रहे। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे में अनवरत अगर बालू का उठाव चलता रहा तो निकट भविष्य में गोड्डा जिला का पानी का जलस्तर और भी नीचा चला जाएगा, जो कि एक विचारणीय विषय है। कल पूरे गोड्डा जिला में धूमधाम से मनाई गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती। जगह जगह उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। आगामी गोड्डा लोकसभा चुनाव को लेकर दोनों दिग्गजों ने नामांकन की तिथि की जारी। एक तरफ जहां निशिकांत दुबे 26 अप्रैल को नामांकन करने जा रहे हैं, वहीं प्रदीप यादव 29 अप्रैल को नामांकन दर्ज करेंगे। मेहरवा प्रखंड क्षेत्र के दरियापुर मेला मैदान में चैती दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर कलकत्ता के कलाकारों के द्वारा भव्य सांस्कृतिक कार्य भक्ति जागरण का प्रोग्राम चैती दुर्गा पूजा कमेटी की ओर से संगीतमय भक्ति जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संगम राज म्यूजिकल ग्रुप भोजपुरी के चर्चित तथा उभरते क्षेत्रीय कलाकार संतोष कुमार झा ने अपने मधुर संगीतमय प्रस्तुति से उपस्थित लोगों को भाव विभोर कर दिया। कार्यक्रम का उद्घाटन स्थानीय भाजपा नेता प्रणब कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से किया। चर्चित क्षेत्रीय गायक स्टार स्टेज संतोष कुमार झा ने दुर्गा मैया की जयकारा के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। कोलकाता से चलकर आए कलाकार सभी स्टार स्टेज कलाकारों ने एक से एक बढ़कर भक्ति गीत प्रस्तुत किए। क्षेत्र से आए दर्शकों ने जमकर तालियां बटोरी। भक्ति जागरण सुनकर झूम उठे वहां के दर्शक। होंडा लाया है इस लगन दूल्हा दुल्हन ऑफर। होंडा के प्रत्येक टू व्हीलर व्हीकल की खरीद पर एक हेलमेट बिल्कुल मुफ्त। गाड़ी की खरीद पर मिलेगा एक स्क्रैच कूपन जिसमें आप 5000 तक की छूट पा सकते हैं। तो देर किस बात की, इस लगन दूल्हा दुल्हन ऑफर को हाथ से जाने न दे। ऑफर का लाभ लेने के लिए गोड्डा के एकमात्र होंडा टू व्हीलर शोरूम वंस होंडा में पधारे। वंस होंडा नहर चौक गोड्डा। बांका के पीवीएस कॉलेज में माननीय बिहार के मुख्यमंत्री मोदी रामविलास पासवान ने आकर विजय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जदयू प्रत्याशी श्री गिरधारी यादव के लिए नीतीश कुमार जी ने घोषणा करते हुए कहा साथ ही साथ कहा कि पहले की महिलाएं शराबी पति से और कुछ लोगों के लिए सत्ता किसी तरह से हासिल कर ले और माल कमाए। गांधी जी ने कहा था सात सामाजिक पाप, उसमें कहा काम के बिना धन सामाजिक पाप है। अरे धन कमाना है तो मेहनत करो, परिश्रम करो और धन कमाओ, लेकिन बिना काम